तो यार आ चुके एक नई वीडियो के साथ वापस। आप देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं उस रेड सूट को इतने दिन तक नहीं पहन सकता, सो मैंने आज चेंज कर दिया। बट आपको क्या लगता है कि भाई मेरे को उस सूट के साथ और गेम प्ले निकालनी चाहिए? आपको बढ़िया लगा वो सूट या नहीं? फिलहाल ये देखो जरा। हाँ, मैंने सोचा यार चलो ठीक है, इस बार किल के लिए जाएंगे। मैंने तीन बंदों को तो निपटा दिया, जिसमें से एक का किल मेरे को मिल जाता है वहीं पे। दो बंदे अभी भी जिंदा थे यहाँ पे और मेरी बुलेट भी खत्म। अब अंदर ही केम पड़ी थी, मैंने देख ली भाई। सो ये वाली एक केम तो नहीं है, ये यूएमपी है। सो यूएमपी उठा के अब मैं जाता हूँ छत के पे। अब याद रखना हमेशा, अगर बुलेट खत्म हो जाती ना तो भाई कुछ बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। एंड मैं इतना ज़्यादा प्रीफायर करता हूँ कि भाई मेरी बुलेट जो है ऑलमोस्ट हर बार ख़त्म हो ही जाती है। फिलहाल फाइनली 5 किल मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए थे अपने, और अगेन यार बुलेट की काफ़ी कमी हो गई थी। एक एम तो पूरी खत्म हो गई थी और हीलिंग भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले यहाँ से कुछ बुलेट उठाई। एंड फाइनली मेरे पास थोड़ी बहुत तो बुलेट हैं कि ताकि मेरे पे कोई अगर रश करे तो उसको मैं निपटा सकूँ। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे मैं हील करता हूँ, और भाई बहुत ही तगड़ी वाली फायरिंग चल रही है भाई आसपास, इतना ज़्यादा मतलब शोर हो रहा है ना। एंड भाई लिटरली हम सब ने ना इतने मतलब भर भर के किल कर दिए थे ये वाले मैच में, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा आ रखे थे यार, और 5-6 किल के करीबन तो मेरे ही हो रखे हैं। फिलहाल 2 किल और मिल रहे थे मेरे को। भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी वो किल मेरे टीममेट ने चुराया। फिलहाल यहाँ वाला एरिया ना हमने क्लियर कर दिया था, ठीक है। और बुलेट सिर्फ ब्लू मतलब थी ही नहीं यार, थोड़ी बहुत ही थी बुलेट, और हीलिंग भी कमी थी मेरे पास। तो यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत पहले हीलिंग वीलिंग उठाई, यहाँ पे मिलती तो है मेरे को मतलब वेस्ट वुस्ट या थोड़ा बहुत इधर उधर किया है वो, बट हाँ कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे पास। एक केम तो पूरी की पूरी खाली थी, तो मैं इस तरफ आया और तभी उस तरफ हो जाती है तगड़ी वाली फायरिंग, तो मैं गया उधर। मेरे पास काफ़ी है यार यहाँ की। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बंदे थे अभी। अब मैं चुपके चुपके आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे को जो है इसमें से कुछ और एमओ मिल जाती है, और सामने की साइड ना कोई तो टीवी ले रहा था। एंड नीचे चल रही थी तगड़ी वाली फाइट, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और इस बेचारे को तो पूरा निपटा दिया मैंने। फिलहाल बाहर की साइड भी तगड़ी वाली फाइटिंग हो रही है। एंड इसके पास मैंने 9 की एमओ दे दिया, 7 की एमओ, तो मैंने उठा ली भाई जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा लोग और भी हैं तो भाई वो ना उठा ले कहीं। फिलहाल आज एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे फिलहाल लूट कर लेते हैं। एंड बाहर की साइड जो है और भी किल हैं अभी मेरे, बिल्कुल उतरते ही राइट साइड में बंदे होंगे, तो मैंने सोचा उनको मार के आते पहले, ठीक है। अब ये फायरिंग भी आ रही थी, लेफ्ट साइड भी थी और राइट साइड भी थी, ठीक है, दो साइड थे। अब मेरे में जो है फायरिंग स्टार्ट करता है लेफ्ट साइड, तो मैंने देखा वो लेफ्ट साइड मार रहा है, राइट साइड में बंदे, और टीवी भी ले रहा था वो, कैसे बचा जस्ट देखो। दो बंदे एक ही बार में पीक लेते हैं भाई, एक को तो उन्होंने डैमेज दिया, दूसरे से पता नहीं कैसे बच गया मैं। खैर मैंने यहाँ पे हील किया, और मैंने कहा ना अगर मेरे बुलेट होगी प्रॉपर तो मैं मार ही दूंगा, चाहे सामने वाले के पास कोई भी गन हो, बट यहाँ पे अगेन हीलिंग कम, और मैंने गोला बना लिया था। दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैं लेट हो गया यहाँ पे उसको मारने के चक्कर में, अदरवाइज मैं ये चीज़ें नहीं करता तो मैं वैसे भी उसको मार सकता था। बट यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा गोला बनाने के चक्कर में थोड़ा सा मतलब जो होता है ना एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान भटक जाता है, वो वाला सीन हुआ यहाँ पे। एंड मेरी टीममेट कितनी ज़्यादा दूर थी कि मैंने उनको आवाज़ भी नहीं लगाई यार, मतलब 100 मीटर 150 मीटर दूर था, मतलब बिल्कुल साइड प्रिंटिंग प्रेस वाली साइड गए थे वो। अब फिलहाल यहाँ पे देखो, वैसे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, पहले तो मैं यहाँ पे ना यूएमपी पकड़ता हूँ, दो बंदे सामने, दोनों को निपटाया, लेकिन मेरे को भी डैमेज पड़ा था, पता नहीं कहाँ से पड़ा, लेकिन मैंने सोचा जिसने भी डैमेज दिया ना उसको ठोकूंगा अब मैं। खैर इन दोनों का तो किल मिल गया मेरे को। अब दो और थे यहाँ पे, जिसमें से एक को तो मार दिया। अब ऊपर एक एकेएम थी, मैं एकेएम छोड़ के इसको फिनिश किया, मेरे को लगा कि इसके पास भी कोई गन होगी, बट इसके पास नहीं थी। अब इसका ना कोई बंदा था यहाँ पे, ठीक है, नोट रखना, इसका कोई बंदा था यहाँ पे, वो कहीं छुप गया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैं जो मेरे को सामने दिख रहा था उसको मारने लगा। अब मैंने सामने एक बंदे को नॉक किया M16 से, और ये टू बी ऑनेस्ट M16 इतनी चलती नहीं है मेरे से। फिलहाल ये देखो मुंडी निकाल के,
मतलब इसकी इसकी मुंडी बाहर निकल रही थी भाई, मतलब कैसे बैठ पाते यार ये बंदा। खैर मैंने पूरा का पूरा मार दिया उसको, लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं ऊपर चलता हूँ, एक लेके आता हूँ। और हाँ, आज भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो देखना मत भूलना। वैसे तो ये जब वीडियो डल की होगी तो तब मैच शुरू होगा। तो एक चीज़ और बता दूँ, अब इंडिया पाकिस्तान मैच है तो आप ट्राई कर सकते हो वन एक्स बैट, क्योंकि ढेरों सारी गेम है वन एक्स बैट के ऊपर। और उन ढेरों सारी गेम में से एक गेम जो मेरी फेवरेट है वो है क्रिकेट। एंड आज क्रिकेट मैच है, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो नॉर्मली यार बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो अगर आप प्रेडिक्शन करते हो, जिसमें से 95% लोग तो भाई इंडिया के ऊपर ही जो है प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो भाई ऐसे में ना अगर आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है, मान लो इंडिया जीत जाता है, तो आप ढेरों सारे इनाम जीत सकते हो, वो भी फ्री में। आपको जस्ट वहाँ पर फ्री में साइन अप करना है वन एक्स बैट के ऊपर। एंड हाँ, अगर आप पहली बार साइन अप कर रहे हो तो आपको कुछ ढेरों सारे कैश भी मिलेंगे, कैश बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर। सो आप उनको जो है जीतने के बाद विड्रॉ कर सकते हो। एंड हाँ, ट्राई करना वन एक्स बैट, जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दूंगा। फिलहाल देखो, सामने मैंने एक बंदे को देखो नॉक करा, किसी ने उसको शॉटगन से फिनिश कर दिया। मतलब किल चुराने की भी हद होती है यार, इतनी देर से खड़ा था, मार नहीं सकते थे क्या उसको? फिलहाल अब सबसे पहले तो मैं आता हूँ आगे, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल कवर बनाया, और अब जो है फाइनली मैं और लेजेंड मारने के लिए जाते हैं। अब मैं सीधा आगे चला जाता हूँ, देखो मेरे को कुछ दिखा नहीं। अब टेक्निकली मैं साइड नहीं हुआ था, मैं तो सीधा ही जा रहा था। फाइनली इसको मार दिया, कोई अगेन ब्लड रिलोड आ गया था, बट कोई बात नहीं, मार दिया इस बंदे को। भाई बंदा ये वाला कड़क था, ठीक है, जिसने अभी लेजेंड को नॉक किया और मेरे को भी नॉक किया। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेजेंड को रिवाइव किया, और ये बंदे ना दीवार तोड़ रहे थे, दीवार तोड़ी जा रहे थे और सीधा बाहर आते दोनों। और बेचारे टीम अप वाले थे तो पता लग गया था, मेरे को तो दिख गया था, बट लेजेंड को जो है दिख नहीं रहा था, इसलिए उसने फायर किया। सो ये टीम अप वाले बंदे थे, और यहाँ पे जो है सब कुछ क्लियर हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो क्लियर हो ही गया था यहाँ पे। अब सामने से कुछ क्रेट पड़ी थी, अगेन जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा सा एमो की जो है यहाँ पे कमी पड़ रही थी, वैसे ही था। सबसे पहले तो हमने जो है यहाँ पे एक दूसरे को रिवाइव किया, हमें सारे बंदे नोकते भाई, मेरे को छोड़ के सारे, वो देखो लेजेंड को रिवाइव किया, मेरे को रिवाइव किया, एंड एक और टीममेट थी उसको भी रिवाइव किया, ठीक है। अब तीनों जब रिवाइव हो गए थे, हम निकलने वाले थे, तभी आती है गाड़ी। अब यहाँ पे मारा इसको भी, लेकिन वो दो जो है बंदे डैमेज कर दिए थे मेरे टीममेट्स ने, एंड वही उसको जो है मार भी देते। मैंने सोचा एक काम करते, बगी पकड़ के जाते हैं, वो टीपे भी ले रहे होंगे तो मार देंगे उनको। अब मैं गया बगी पकड़ के, वहाँ जा उनकी गाड़ी जो है ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने के कगार पे थी, बट टीममेट दूर से जो है निपटा देते हैं। तो मेरे हाथ में क्या लगता, बस ये मैंने इसको ही निपटा दिया। अब देखो यार, एमओ भी तो लेनी थी, तो भाई इसी से एमओ मैंने जो है अपनी पूरी कर ली। और एट देन मैं एमओ ही लेने आया था यहाँ पे, क्योंकि मैं जाने वाला था सिटी की साइड, और उधर जो है बंदे थे तो मेरे को चाहिए थी भाई एमओ उनको मारने के लिए। तो एमओ मेरे को जो है इन लोगों से मिली जाती, क्योंकि मेरे टीममेट ने मार ही दिया था इनको। सो मैं यहाँ पे जो है इसी से एमओ ले लेता हूँ, और उसके बाद जो है मैं जाता हूँ सिटी की साइड। बट तभी आवाज़ आती है, बड़ी ही लाउड आवाज़ आती है, बिल्कुल आसमान से एक बंदा आ रहा एयरक्राफ्ट में। अब यहाँ पे मैं सोच रहा इसको मारूँ नहीं मारूँ, इतनी देर में तो लेजेंड ने उतार दिया उसको मारने के बाद। तो मैंने सोचा क्या ही उतरना, एक काम करते हैं सिटी चलते हैं डायरेक्ट, सिटी कुछ बंदे मिल जाएंगे, और फायर भी हो रहा था। एंड ये जो गाड़ी है ये भी सिटी की साइड से आई थी, और ये देखो नॉक नुक भी पड़े। अब सिटी में भी एक कड़क बंदा होता है, मेरे को तो पूरा फिनिश डालता है वो। अब यहाँ पे ना हम इस बंदे के ऊपर हमारा पूरा ध्यान था, और इस तरफ टीपी भी ले रहा था, मैं इधर कूदा लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। अब इस बंदे ने कवर दे दिया, वैसे वो वाला बंदा जो है चूक गया था, मेरे को भी मार देता वो, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती उसके सामने कि मैं एडीएस ऑन करूँ। भाई एडीएस ऑन करने से ना कभी कभी आपकी मूवमेंट जो है थोड़ी स्लो हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे बहुत क्लोज में तो एडीएस ओपन ना ही करो तो अच्छा। वैसे क्लोज तो नहीं था वो, लेकिन फिर भी वो बंदा जिस हिसाब से हिल डुल रहा था और थोड़ा सा दिखने में भी कम नज़र आ रहा था, तो बिना एडीएस के मारना उसको ज़्यादा ईजी रहता। फिलहाल सामने गाड़ी आई और वहीं पर रुक जाती है। भाई उन चार बंदे उतर के ना हमको ठिलाने के चक्कर में थे, मैं गाड़ी बोल ली वहाँ से, और देखो बेचारे फायर कर रहे हैं, उनको क्या पता भाई। फिलहाल हमने तो देख लिया था उनको भाई साइड में आते हुए, इवन मैं खुद अपनी बग्गी रोकने वाला था उनको ठोकने के लिए। फिलहाल अब हम क्योंकि साइड से ऊपर की साइड जाते हैं, तो वो भी नीचे से ना बिल्कुल लेफ्ट की साइड जाते हैं, जैसे हम इधर से जो है उनके सर के ऊपर आ गए तो वो उधर से हमारे सर के ऊपर आ जाते, बट हम निकल लिए थे वहाँ से। और हाँ, ऊपर कौन आ रहा था देख रहे हो, एयरक्राफ्ट में लेजेंड आ रहा था ऊपर। फिलहाल एयरक्राफ्ट जो है डैमेज काफ़ी ज़्यादा था, और ये लोग जो है लेजेंड के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते, वो तो अच्छा सेम टाइम पे आके मैंने थोड़ा सा जो है डिस्ट्रैक्ट किया।
इतने देर में वो चली गई, ठीक है। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और वापस जो है लेजेंड का तो पीछा नहीं करते क्योंकि एयरक्राफ्ट काफ़ी दूर चला गया था। सो वो लोग जो है घूम के चले जाते वापस सामने। और सामने जाते हैं तो भाई वहाँ पे जो है मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा बनता नहीं है मेरा। वो लोग जो है सामने ऊपर की साइड जो है रुक जाते वहाँ पे, और उनका भी वही मकसद था, दो से तीन चार बंदे थे वो, तो वो भी वहाँ पे जो उतर के फायरिंग करने बैठ जाते मेरे ऊपर। एंड सेम चीज़ मैं भी करता हूँ। अब यहाँ मैं मारने की तो ट्राई करता हूँ लेकिन उतनी लगती नहीं है उनको। और तो मैंने भी जितना डैमेज देना था, जितना डैमेज मैंने खाया उतना डैमेज मैंने सामने वालों को डिलीवर भी कर दिया। अब वापस मारने की बारी थी लेकिन लेजेंड अब यहाँ पे मैंने उनका एक बंदा नॉक कर दिया और इस बेस्ट टाइम था कि ये हम उसके ऊपर पुश कर दें। तो ऊपर नीचे से हम जो है गाड़ी से पुश करने की तैयारी में थे, ऊपर से हमने बोला कि लेजेंड तू जा पुश करने, तो लेजेंड जाता है आसमान से पुश करने और हम जाते भाई ग्राउंड से आसमान में ग्राउंड से। फिलहाल देखना लेजेंड की तो भाई आसमान में कवर खुद जाती है, ये खुद की कवर। अब वो तो आसमान में फिनिश हो गया और हम इधर जो है इस घर के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पे रुकना थोड़ा बेवकूफ़ी थी क्योंकि इसको तो उतार देते वक्त जो बगी के ऊपर मेरे टीममेट था, ठीक है। फिर फिलहाल जो है सबसे पहले तो यहाँ से मैं निपटाने की ट्राई करता हूँ उनको। अब यार ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था बट कुछ ज़्यादा बना नहीं, तो मैं सीधा गाड़ी में बैठा और मैंने बोला चल ठीक है छोड़ इनको पुश करते हैं। बट यार देखो ज़रा क्या होता है, इनमें से जो ये बंदा है ना ये छत के ऊपर चढ़ा हुआ था। इस हरामखोर को तो मैं पूरा फिनिश करूंगा। अब फिलहाल एक टीममेट को और इन्होंने नॉक कर दिया और अब बारी थी भाई इनको निपटाने की। अब यहाँ पे मैंने जो आपको एक स्टार्टिंग में सीन बताया था ना रीलोड का, जब रीलोड आ जाता कुछ नहीं कर सकते आप। अब देखो ठोकने को तो मैं पूरी टीम को ठोक देता बट यहाँ पे होता क्या है, जस्ट देखो एक छोटी सी गलती हो जाती मेरे से एंड वो गलती कभी मत करना। फिलहाल तो मैं इसके बिल्कुल मारने की ट्राई करता हूँ बट ये खुद की मौली से नॉक हो गया, तो मैं देखता हूँ नॉक होके गया क्या। तो इसको देखो, अब देखो मेरी दोनों बुलेट जो है 13-13 बुलेट है, रिलोड आ गया एंड फिनिश। अगर रिलोड नहीं आता ना उस बंदे को मैं मार देता वहीं पे एंड उसके टीममेट्स को भी मार देता, कोई उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। बट दोनों टाइम जो सेम चीज़ हुई, एक बार में हेल्थ कम दूसरी बार में गन का जो रिलोड है वो कम, एंड इसी कारण जो है वहाँ पे 13 बुलेट में अगर वैसा रहता ना तो थोड़ा सा मैंने जो है फिनिश करने के चक्कर में अपनी बुलेट जो अच्छी खासी रिलोडेड बुलेट थी उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि मारने में अगर 13 बुलेट से मारा जाए तो वो भी कम नहीं है बट हाँ होता है ना, एक 30 बुलेट का जो आदमी 30 बुलेट से मारना, लाइक हम शुरू से ही जो है 30 बुलेट के रिलोड से खेलना सीखे तो उस हिसाब से ही जो है हम अपने एम को सेट करते हैं। उतनी एक्यूरेसी से नहीं मारते क्योंकि हमें पता रहता है कि भाई हमारे पास 30 बुलेट है, उतनी एक्यूरेसी नहीं भी मारेंगे, थोड़ी बुलेट इधर उधर चली जाएंगी वेस्ट हो जाएंगी तो भी चलेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, तो अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पबजी खेलते हो या आपकी फेवरेट गेम पबजी है तो। फिलहाल आज वैसे मैच भी है तो देखना मत भूलना, मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड वन स्पीड को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।